हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। और आज की जो क्लास है वो आप सभी प्यारे स्टूडेंट की डिमांड पर है। स्टूडेंट का कि सर हमारे लिए हिस्ट्री की क्लास लेके आए जाइए, तो बिल्कुल ये हिस्ट्री की क्लास अब आपको मिलेगी डे टू डे जो टाइम होगा उस अकॉर्डिंग और कंटिन्यू मिलेगी आपके सिलेबस तक। तो बात करते हैं आज शुरुआत में, ये जो शुरुआत लिए आपको बता रहा हूँ BA फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है ना। यानी इस बार जो JNU में सेमेस्टर वाइज सिस्टम है तो हिस्ट्री की जो सिलेबस को यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ाऊँगा ना वो बिल्कुल नए पैटर्न पर है और नया सिलेबस है। अगर कुछ चीज़ें जो पहले थी इन्वॉल्व थी वो अब नहीं है तो वो नहीं पढ़ाऊँगा। तो आज इस क्लास से हम श्री गणेश कर रहे हैं। वैसे आपको पता होगा आज गणेश चतुर्थी है, तो हिस्ट्री की जो क्लास है वो आज ही के दिन शुरुआत करते हैं हम। और साथ साथ में बैकग्राउंड में आपको साउंड भी सुनाई देगा क्योंकि ये स्टूडियो कहीं ना कहीं एक जहाँ गणपति बैठा है उसके पास में है, तो आप थोड़ा गुनगुनाइएगा और समझिएगा, आनंद लीजिएगा। और ये क्लास अब यहाँ पर जो रेगुलर पॉलिटिकल की हो रही थी अब हिस्ट्री की आपको मिलेगी, टाइम टू टाइम इसको शेयर कीजिएगा एंड मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो यहाँ पर आए और इसको समझें। तो आज हम आपकी यूनिट फर्स्ट है ना, आपके टोटल यूनिट 5 होते हैं, तो यूनिट जो फर्स्ट है उसके अंतर्गत आपको बता रहे। क्यों? क्योंकि आप एक चीज़ बता दें, सिलेबस आपको बता दिया है हिस्ट्री में फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस आपको बता दिया है, तो अब सीधे हम चलते हैं इतिहास के स्रोत के अंतर्गत, क्योंकि ये सबसे पहला ही है आपका और भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत ये आपके टॉपिक में है। ओके, भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। तो अब यहाँ पर देखो सिंपली अगर शुरुआत करें तो भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों में हम इन चार प्रकार से, यानी भारतीय इतिहास के स्रोतों को हम जानेंगे तो इनको चार भागों में हमने डिवाइड किया है और ये चार भागों में डिवाइड हम 1-to-1 पढ़ेंगे। ठीक है, आपके जो भी कोई कन्फ्यूजन है या कोई डाउट है तो उसको भी साथ में सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ हम भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों को चार अलग अलग खंड में डिवाइड कर कर पढ़ेंगे और आपके कोई डाउट है उसे भी समझेंगे। तो आज हम स्पेशली पूरी तरह से समर्पण होकर भारतीय धर्म ग्रंथों के बारे में समझेंगे। देखो ये क्या है कि भारत के इतिहास को जानने के लिए हमें कुछ न कुछ सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोई धर्म ग्रंथ हुए हैं, कुछ दस्तावेज, कुछ साक्ष्य हैं, या इसके अलावा जैसे बात कर ले विदेशियों के स्रोत हैं, पुरातात्विक समिति को साक्ष्य हैं, जैसे पुरातात्विक स्थल हो गए, सिक्के हुए, मोहरे हुए, मोहरे वगैरह, तो ये सभी कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। तो इन्हीं को हम समझेंगे और हम लगभग प्रयास करेंगे कि इनको 2-3 वीडियो में ख़त्म करें आपके भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत के अंतर्गत। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय धर्म ग्रंथ के ऊपर जिनसे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे इतिहास के जो जन्मदाता हेरोडोटस वो तो आप जानते हैं, लेकिन भारतीय इतिहास को जब जानेंगे तब और कुछ समझेंगे। देन इसके अंतर्गत हम यहाँ पर जो शुरू करेंगे, सबसे पहला आपके लिए शुरू करते हैं भारतीय धर्म ग्रंथ को समझेंगे भारत के इतिहास को जानने के साथ साथ। आपके कोई डाउट्स हैं तो वो भी बता दीजिएगा, बाकी हम कंटिन्यू इसको पढ़ते जाएंगे। ओके, तो जैसे कि भारतीय धर्म ग्रंथ है, हम इसको क्या करते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं क्योंकि भारत में विभिन्न तरह के धर्म हैं, तो कुछ धर्म भारत में बहुत ही पॉपुलर हैं और उनसे उनके धर्म से संबंधित कुछ शिक्षाएं, सिद्धांत, कुछ परंपराएं ग्रंथों में समाहित है। ये ग्रंथ कहीं ना कहीं पॉपुलर हैं और इनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, हमारे किसी विदेशी के साथ संबंध मिलते हैं, क्योंकि पहले का समय था कोई सोर्स, यानी हमें अतीत को जानना है तो उसके लिए हमें कुछ सोर्स की जरूरत पड़ती है। तो पहला हम पढ़ेंगे भारतीय धर्म ग्रंथ के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भारतीय धर्म ग्रंथ के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं तो भारतीय धर्म ग्रंथ में पहला हम समझते हैं ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के, और जैसे कि पता होगा ब्राह्मण धर्म ग्रंथ यानी ब्राह्मण की ब्राह्मण जो उनके द्वारा जो बनाए गए हैं, उनके जो धर्म केंद्र प्रसार किए गए, तो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंतर्गत हमें इतिहास की बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। तो इसके अंदर हम बात करें वेद, और वेद के बारे में तो आप जानते हैं, वेद के बारे में आप जानते होंगे कि वेद क्या है, वेद क्या है ये आप जानते हैं। तो पहला ही हम यहाँ पर शुरू करते हैं वेद को लेकर। ठीक है, वैसे आप सभी को पता होगा वेद अपने चार प्रकार के हैं,
वेद हैं वो चार प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में मैं आपको यहाँ पर वैसे आपको जनरली पता होगा लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देखेंगे इनके वेद के बारे में। तो पहला है जो ऋग्वेद है, पहला क्या है ऋग्वेद, क्योंकि टोटल जो चार वेद है हर एक के बारे में जो शॉर्ट में आपको मैं डिटेल बताते जाऊँगा ताकि आपको इतिहास के बारे में और सोर्स है उसकी जानकारी प्राप्त हो सके। दूसरा है सामवेद, सामवेद। तीसरे हम जैसे वेद के अंदर बात करें तो अलग अलग जैसे चार ग्रंथ हुए अपने, जैसे चार जो वेद हुए जिसमें है जो तीसरा है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद ठीक है, वो यहां पर समझिएगा। नेक्स्ट यहां पर बात करें अथर्ववेद, अथर्ववेद। देखो ये जो चार जो वेद हैं जब इसके बारे में आपको मैं समझाऊं तो ये जो वेद हैं वो सबसे प्राचीन है, ये वेद है सबसे प्राचीन वेद है और ये वेद है वो सबसे अंतिम में जुड़ा वेद है, यानी नया नया वेद की बात करें अंतिम रूप में तो वह अथर्ववेद है। देखिए प्राचीन वेद जो ऋग्वेद है, इस वेद में भारत के अंदर बात कर लिए जो आई जो जाति थी जैसे आर्य जनजाति, तो आर्य जनजाति के संबंधी स्रोत के भारत में आर्यों का कब आवागमन हुआ उसके संबंध में जानकारी हमें मिलती है। साथ ही साथ भारत में समय समय पर आने वाले जो जो अलग अलग समय के जो बात करें जो समय के अकॉर्डिंग जो राजा महाराजाओं की बात करें या कोई जनजाति कुछ वगैरह है तो उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। मोस्ट ऑफ बात करें तो हमें आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है, किसके बारे में आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा ऋग्वेद की बात करें तो इसके अंतर्गत हम ये भी जान सकते हैं कि इसमें मंत्रों यज्ञ के मंत्र हैं उसके बारे में, देवताओं की स्तुति के बारे में, मधुर स्वर में जो गाए जाते वाले गीत हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करें जो यज्ञ विधियों के बारे में भी जानकारी मिलती है। जो अब देखो शॉर्ट में अगर आपको बताएं कि अथर्ववेद का क्या महत्वपूर्ण योगदान है तो अथर्ववेद को ध्यान रखें कि अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान, धर्म और समाज निष्ठा, औषधि, इसके अलावा रोग निवारण तंत्र मंत्र और टोटके संबंधी जो मंत्र हैं वो आपको मिलेंगे अथर्ववेद में मिलेंगे। इस प्रकार से इन चार वेदों का महत्वपूर्ण स्थान है ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में। जो पहला है अपना वो है वेद, क्या है वेद, जिसमें चार वेद हैं और हर एक वेद की अपनी अपनी विशेषताएं होती है, इन विशेषताओं से संबंधित हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरी बात करें यहाँ पर जैसे इसका ही मैं सेकंड यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ जिससे आपको वन टू वन समझ में आ जाए। दूसरा है हमें इनके बारे में जानकारी को वैदिक साहित्य के बारे में जानकारी में वेदों से प्राप्त हो जाती है, भारतीय अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है देखो इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि समय के साथ साथ यज्ञ और कर्मकांडों की वेद काल के अंदर की बात करें वैदिक काल की तो समय के साथ आर्य जो थे वे जब भारत में आए तो उन्हें यज्ञ और कर्मकांडों में वृद्धि हुई, उनके यज्ञ और कर्मकांड उनके ज़्यादा करने लगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है कि थोड़ी वेदों की प्रक्रिया बहुत जटिल हो गई, इस वजह से फिर क्या हुआ कि इन्हें बोधगम्य वेदों को ईजी वेदों को सरल और बोधगम्य मतलब समझ में आ सके उस प्रकार से इनको ट्रांसलेट करने के लिए इनका ही एक सरल रूप है उनको हम कहे जाते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों का ही सरल रूप जिसको हम बोधगम्य कह सकते हैं कि जिसके द्वारा हमें वेदों की जानकारी सरल रूप में समझ में आ सके तो वो है ब्राह्मण ग्रंथ। इनमें क्या हुआ हर एक वेद का ब्राह्मण ग्रंथ बन गया, वेदों को सरलीकृत रूप में ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णन किया गया। जैसे यहाँ पर आपको बताएं तो यज्ञों के विषय के संबंधों का प्रतिपादन करें, यानी एक सिंपल सी बात है अगर आपको और दूसरा मैं तरीका आपको बताऊं कि ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं तो यज्ञों के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ, यज्ञों के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ पाएंगे। अब यहाँ पर हर एक वेद से उनके ब्राह्मण ग्रंथ भी बन जाते हैं जिसमें आपको मैं बताऊं यहीं से लिख देता हूं ऋग्वेद, जो ऋग्वेद है इसको सरलीकृत करते हुए एक ब्राह्मण ग्रंथ के रूप में इसका यानी ब्राह्मण ग्रंथ बना जिसको हम कहेंगे ऐतरेय, ऐतरेय। ठीक है ना, जो ऋग्वेद का ही सरलीकृत रूप है ब्राह्मण ग्रंथ के रूप में। दूसरा जैसे मैं आपको बताऊं यहां पर जो धर्म ग्रंथ की बात करी जा रही है तो वो है यजुर्वेद,
हर एक की नहीं, लेकिन जिसकी ट्रांसलेट होगी, जिसको वर्णीकृत किया गया उनके बारे में आपको बताएं, तो इसका है सतपथ ब्राह्मण। क्या है? सतपथ। वेदों का सरलीकृत रूप यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा सामवेद की बात करें, सामवेद, सामवेद का जो सरलीकृत रूप जो अपनाया गया उसके बारे में आपको समझाया जाए, तो सामवेद का जो सरलीकृत जो रूप है वो है पंचविस ब्राह्मण। और जो लास्ट में हम बात करें कि अर्थवेद से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ बना, क्योंकि आपको सोर्स के बारे में जानकारी, तो मैं डिटेल से थोड़ा समझाऊं ताकि आपको कंफ्यूजन ना होना पड़े, वह गोपत ब्राह्मण। ओके, तो इस प्रकार से हमें भारतीय धर्म ग्रंथ में ब्राह्मण धर्म यानी ब्राह्मण धर्म ग्रंथ से संबंधित समझ रहे, सबसे पहले हमने वेद को समझा है, फिर इसमें है ब्राह्मण ग्रंथ। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि तीसरा जो आपको मैं बताऊं वो ब्राह्मण ग्रंथों में आते हैं, भारतीय धर्म ग्रंथों में ब्राह्मण धर्म ग्रंथ यानी हिंदू धर्म से संबंधित। मान लीजिए कि हम हिंदू धर्म के बारे में और हिंदू धर्म से अपने भारत के अतीत और इतिहास के बारे में जान रहे हैं, तो उसमें तीसरे नंबर पर आता है आरण्य, आरण्य ग्रंथ। देखो आरण्य ग्रंथ है वो भी अतीत में इतिहास से संबंधित जानकारी देते हैं, लेकिन इनका जो स्थान है सबसे ऊपर टॉप होते हैं ये, इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, इसके बाद आरण्य ग्रंथ। तो आरण्य ग्रंथ का जो स्थान है वो ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आता है। तो लिख दीजिए ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्य ग्रंथों का स्थान है। अभी आरण्य क्यों कहते हैं, आरण्य क्यों कहते हैं, तो इसका सिंपल सीधा अर्थ है कि जो ग्रंथ वनों में बैठकर, जिन ग्रंथों को वनों में बैठकर एकांत में पढ़ा जाए उन्हें आरण्य कहते हैं, क्योंकि आरण्य यानी वन से संबंधित है। तो जिन ग्रंथों को वन में बैठकर एकांत में अध्ययन किया जाए उन्हें आरण्य कहते हैं। नोट कर लीजिए, समझ में आ गया। अब आरण्य ग्रंथ धर्म ग्रंथ के अंदर क्या क्या है, तो सिंपल सी बताएं कि इसमें चिंतनशील यानी एक्टिवनेस, चिंतनशील ज्ञान प्रोक्ष पर जोर दिया गया, चिंतनशील ज्ञान पक्ष जो होता है एक्टिव जो नॉलेज है उस पर यहाँ पर जोर दिया गया है, और ज्ञान मार्गी विचारधारा का भी बीजारोपण किया गया है। और ग्रंथों की जो संख्या, आरण्य ग्रंथ है इनकी अगर संख्या की बात करें तो ये 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत बात करें तो पहला वेद आ गया, जिसके बाद हमने ब्राह्मण ग्रंथ को देखा, ऋग्वेद ये वगैरह इसमें आ गए, सबने यहाँ पर ये ब्राह्मण ग्रंथ का ही यहाँ पर रूप जो समझाया है मैंने। तीसरा है आरण्यक। अब स्वतः रूप में हम समझ रहे हैं उपनिषद, तो ये भी आपको पता होगा, आप जान रहे होंगे, तो उपनिषदों को हम यहाँ पर नेक्स्ट देख रहे थे, आपने नोट कर लिया होगा, साथ साथ में नोट करते जाइएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है। उपनिषद, उपनिषद जो है वह अपने इतिहास से संबंधित स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण है, और आरण्य ग्रंथ के बाद, अभी जो मैं आपको बताया आरण्य ग्रंथ, आरण्य ग्रंथों के बाद उपनिषद का स्थान है। किसका स्थान है? उपनिषद का स्थान है, ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करें तो उपनिषदों के अंदर बता दिया जाए तो सिंपली अगर बात करें उपनिषद हम क्या कहते हैं कि इस ग्रंथों में ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान की विशेष चर्चा की गई है। इसमें ब्रह्म ज्ञान एवं आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान एवं आत्मज्ञान की चर्चा की गई है, ब्रह्म ज्ञान एवं आत्मज्ञान की चर्चा की गई है। इसके अलावा इसमें देख लीजिए, मैं आपको जैसे कुछ जनरली अभी बताऊं तो कुछ उपनिषद हैं जिनको आप अगर नोट करना चाहें तो मैं उदाहरण के रूप में बता दूं कि कौन कौन से ग्रंथ जो उपनिषद के अंतर्गत काउंट होते हैं, जिनको उपनिषद ग्रंथ कहा जाता है। तो इसके अंदर मैं आपको कुछ एक बता दूं, जैसे मुंडक उपनिषद आपने पढ़ा होगा,
आपने कहीं ना कहीं इसमें समझा होगा मुंडक उपनिषद, जिसके बारे में आपके अपने भारतीय एक स्मृति और चिन्ह स्थल के रूप में अपनाया गया है। फिर इसके अलावा मांडुक्य, मांडुक्य उपनिषद है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें जैसे कि कौशिकी को क्या, एक और आपको नोट करवा देते ताकि ध्यान रहेगा, वो सिंपल सा संदोए, सांदोग्य, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है वो मैंने उदाहरण बताए हैं जो उपनिषद के अंतर्गत आता है और इसमें हमें ज्ञान की विस्तृत जानकारी मिलती है। इसके अलावा उस समय के आर्यों के धार्मिक और सामाजिक राजनीतिक जीवन की झांकी हमें जानकारी उपलब्ध होती है, यानी पता चलती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद जो उपनिषद के बाद जो नेक्स्ट स्थान आता है वो यहीं पर लिख देता हूँ, पाँचवें नंबर पर हमें जो याद करना है यानी आपके इतिहास को जानने के स्रोत के रूप में वेदांग, क्या है वेदांग। अब देखो वेदांग क्या है इसके बारे में सिंपल ध्यान रखिए कि वैसे वेदांगों की मैं अगर बात करूं तो वेदांग होते हैं 6, कितने वेदांग हैं 6, ठीक है। अब इसके बारे में अगर सिंपली आपको बता दिया जाए तो वेदांग 6 हैं और ये वेदों के ही अंग माने जाते हैं। क्योंकि इनका नाम क्या है वेदांग, वेदों के अंग, ठीक है। और ये 6 होते हैं जिसके अंदर मैं आपको बताऊं, शिक्षा से संबंधित हो गया स्वर शास्त्र, नोट कर लीजिए यहां पर 6 मैं बता रहा हूं, स्वर शास्त्र ये शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। पहला नोट करवा ही लेते क्योंकि जब बारी आई है को समझना ही है। फिर एक कल्प कर्मकांड संबंधी, तीसरा जो वेदांग की बात करें तो तीसरा वेदांग के रूप में है व्याकरण, स्वतः निरुक्त, निरुक्त निरुक्त का यहां पर मतलब है कि शब्द व्युत्पत्ति विद्या, शब्द व्युत्पत्ति, शिप्त व्युत्पत्ति विद्या, शब्दों की उत्पत्ति से संबंधित जो जानकारी है वो हमें यहां से मिलती है। इसके अलावा संद और ज्योतिष, पांचवा है संद और छठा है ज्योतिष, ओके। तो इस प्रकार से आपके 6 वेदांग हैं और वेदांग के बारे में बताएं कि ये वेदों के ही अंग माने जाते हैं और वेदों को ठीक ठीक समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, उच्चारण करने के लिए और यज्ञों के विधान को समझने के लिए वेदांग का अध्ययन किया जाता है और इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो 6 नंबर पर है जिसको अलग अलग तरह से नाम दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर सूत्र ग्रंथ की बात करेंगे, जो सूत्र ग्रंथ है वो हमें क्रमकांड के बारे में जानकारी देते हैं। बारे में जानकारी, ठीक है। अब देखिए सूत्र ग्रंथ वो धर्म का कर्मकांड के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अंतर्गत आपको बताएं तो ये सूत्र ग्रंथ वो 3 हैं, सूत्र ग्रंथों की संख्या कितनी है 3 है, ठीक है। और मैं यहाँ पर आपको तीनों के नाम नोट करवा देता हूँ जिसके बारे में आपको जानकारी हो जाए। एक तो है स्रोत, स्रोत सूत्र, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में यही पूछा जाए कि सूत्र ग्रंथ के 3 कौन कौन से उपग्रंथ हैं उसके बताइए, या सूत्र ग्रंथ में कितने होते हैं वो सूत्र ग्रंथ होते हैं। तो पहला तो मैंने आपको बता दिया सूत्र ग्रंथ में पहला, दूसरा है गुहा सूत्र, ठीक है, और तीसरा होता है सूत्र ग्रंथ के अंतर्गत जो आते हैं वो है ब्रह्म सूत्र, समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करें 7वें नंबर पर जो हम पढ़ते हैं, जो आपको बता दिया महाकाव्य, महाकाव्य में आपको पता होगा रामायण, रामायण के अंदर। नेक्स्ट दूसरी जो बात करें वो है महाभारत, और ये जो बड़ी महाकाव्य है इसमें हमें भारत की संस्कृति, इतिहास, सामाजिक, आर्थिक हर तरह की व्यवस्थाओं का ज्ञान मिलता है, क्योंकि इसमें उस समय की तत्कालिक भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, रहन सहन वगैरह जानकारी मिलती है। और 8वें नंबर पर जो लास्ट है ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के अंतर्गत जो भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत के अंदर है वो है पुराण, पुराण जिसकी संख्या कितनी है 18 है, कितनी है 18 है। तो ये हमारे ऐतिहासिक सामग्री के स्रोत यानी इतिहास की जानकारी इन पुराणों से प्राप्त होती है, क्योंकि उस समय प्राचीन काल में धर्म, परंपरागत
विधान, परंपरागत विधान यानी कल्चर वगैरह वो थे। इसके बाद सृष्टि और प्रलय, सृष्टि एवं प्रलय यानी समय का ज्ञान या समय के बारे में जो परिस्थितियां हैं उनके बारे में और जानकारी मिलती है। इस प्रकार से मैंने आपको ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के बारे में तो समझा दिया जो भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत है। इसके अलावा दूसरे जो हैं वो ब्राह्मण बौद्ध ग्रंथ के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो जानकारी है भारतीय इतिहास के बारे में, तो बौद्ध धर्म के कौन कौन से ग्रंथ हैं जिसमें हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है, वो यहाँ पर हम देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अब हमारी बारी है ख नंबर पर, बौद्ध धर्म ग्रंथ। बौद्ध धर्म ग्रंथ जिसके अंतर्गत सबसे जरूरी, वैसे आपको बता दिया जाए तो बौद्ध धर्म पे पहले वो पाली भाषा में होते थे, किसमें होते थे, पाली भाषा, लेकिन तत्कालिक समय में विद्वानों ने संस्कृत भाषा का उपयोग किया तो अब वो आधे संस्कृत भाषा में भी मिलते हैं। इसके अंदर बौद्ध धर्म सबसे जो सबसे प्रमुख जो ग्रंथ होते हैं उसकी हम बात करें तो सबसे पहले जो पॉपुलर बौद्ध धर्म के अंतर्गत है जिसमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है उसकी हम जैसे बात करें तो सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और वो आप जानते होंगे क्योंकि हम बात करें सूत पिटक की बात करें, किसकी, पिटक की, बौद्ध धर्म से संबंधित पिटक ग्रंथ। ये तीन होते हैं, शॉर्ट में समझाऊंगा। सबसे पहला जो होता है वो विनय पिटक, विनय पिटक। दूसरा होता है सूत पिटक और तीसरा है अभिधम्म, अभिधम्म पिटक। ये जो सूत पिटक है सबसे पुराना है और सबसे नया अभिधम्म पिटक है। अब बात करें कि भाई जो विनय पिटक है इसमें क्या है, तो भिक्षु भिक्षुणियाँ जो भी होती है उनके आचार विचार और नियमों का वर्णन किया गया है, भिक्षु के आचार एवं नियमों का वर्णन किया गया, किस प्रकार से रहना करना, किस आचार संहिता का पालन करना है, किस धर्म की, मतलब अपने भिक्षुओं के लिए नियम आचार व्यवस्था का वर्णन किया गया। बात करें सूत पिटक की तो सूत पिटक भी अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि सूत पिटक के अंदर बौद्ध धर्म के उपदेश और सिद्धांतों का वर्णन किया गया, उपदेश जो बौद्ध धर्म से संबंधित जिसने भिक्षु भिक्षुणियां जो उपदेश दिए हैं उन उपदेश के अलावा सिद्धांत, बौद्ध धर्म से संबंधित जो सिद्धांत है उनका वर्णन यहाँ पर मिलता है। फिर बात करें अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित में क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो उसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत और दर्शन की, सिद्धांतों का व्याख्यान। और यहाँ पर बात करें कि अभिधम्म पिटक में हमें बौद्ध धर्म से संबंधित क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो वो है कि धर्म के सिद्धांत और इसके अलावा दर्शन की, सिद्धांतों एवं दर्शन की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया बौद्ध धर्म से संबंधित पिटक ग्रंथ के बारे में। दूसरे बौद्ध धर्म के अंदर जो आते हैं वो है जातक ग्रंथ। देखिए जातक ग्रंथ की बात करें तो जातक ग्रंथ के अंतर्गत ये बौद्ध धर्म के अंतर्गत इतिहास को जानने की बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें इसमें बुद्ध महात्मा बुद्ध की महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाओं का वर्णन है और इन्हीं कथाओं में उस समय की कुछ झलक मिलती है, कुछ व्यवस्थाएं जानकारी मिलती है। या इसके अलावा शॉर्ट में अगर आपको बता दिया जाए तो बौद्ध कथाओं में बौद्धकालीन सामाजिक आर्थिक धार्मिक और राजनीतिक दशाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, समझ आ गया। इसके साथ उस समय की अलग अलग समय की उसी समय की अलग अलग परिस्थितियों की जानकारी मिलती है, जैसे सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, ये हमें जानकारी मिलती है जातक ग्रंथ के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट है जातक ग्रंथ के अलावा जो तीसरा है वो अन्य पाली ग्रंथ, क्योंकि आपको पता है अभी बात क्या है कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत पहले पाली भाषा में लिखे जाते थे, तो अन्य पाली भाषा में कौन से ग्रंथ हैं उसकी अगर जिक्र की बात करें तो इसके अंदर है तीन महत्वपूर्ण रूप में जो उस समय की महत्वपूर्ण जानकारी में देते हैं। पहला जिसे मैं बात करूँ मिलिंदपनो, दूसरा बात करें
जैसे महायान, जो हीनयान, जो शाखाएं जो जिससे बनी है उनके बारे में, दीपवंश, महावंश। देखो अब बात करें मिलिंदोपर्ण जो ग्रंथ है, इसमें उस समय के जैसे यूनानी नरेश मिलिंडर और बौद्ध धर्म नागसेन के ऐतिहासिक मिलन और वार्ता का वर्णन किया गया है। फिर दीपवंश और महावंश ये श्रीलंका से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत है, लेकिन इसके बाद के साथ संबंध श्रीलंका के वह जानकारी इतिहास के बारे में हमें दीपवंश और महावंश से मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट बात करें तो कुछ बौद्ध ग्रंथ वो संस्कृत भाषा में भी थे, उद्बोध ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा के ग्रंथ, ठीक है, जो हमें बौद्ध धर्म से संबंधित भारतीय इतिहास की जानकारी देते हैं। और इसके अंतर्गत उस समय के बौद्ध धर्म की अंतर्गत संस्कृत भाषा में लिखे हमें इतिहास की जानकारी के स्रोत के रूप में या पर्याप्त रूप में प्रकाश डालते हैं, जिसके अंदर मैं आपको कुछ नोट करवा दूँ। जे नोट कर लीजिए आप, महावस्तु, महावस्तु के अलावा जैसे बात करें ललित विस्तार, ललित विस्तार, इसके अलावा बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र, तो ये हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो हमें भारतीय इतिहास की जानकारी देते हैं। अब लास्ट हम जो बात कर लेते हैं वो है जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ जो भारतीय इतिहास की जानकारी देते हैं। ये जो भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ साथ साथ में नोट कर लीजिएगा, ताकि आपके आने वाले समय में आपकी जो भी एग्जाम है वो बेस्ट और सुपर बेस्ट हो जाए। नेक्स्ट बात कर ले ग, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम आपको सिंपली बात करें जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों के बारे में आपको बता रहे हैं। जैन धर्म के ग्रंथ इसके बारे में नोट कर लीजिए। जैन धर्म के ग्रंथों के अंतर्गत आपको सिंपली बताएं तो कुछ पॉपुलर ग्रंथ है जिसको मैं यहाँ पर सीधे डायरेक्टली आपको समझा देता हूँ। एक तो है परिशिष्ट पर्व, एक तो है परिशिष्ट पर्व, जैन ग्रंथों में इसका महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। इसके अलावा जैसे दूसरा है मैं आपको बताऊं भद्रबाहु चरित्र, और तीसरा है जैन आगम ग्रंथ। ये तीन जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है जिसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं परिशिष्ट पर्व के अंतर्गत, तो परिशिष्ट जो पर्व है ये महत्वपूर्ण इनका जो धार्मिक ग्रंथ है और इनकी जो रचना है वो की आचार्य हेमचंद्र सूरी ने। आचार्य हेमचंद्र सूरी, और अगर देखा जाए ना तो ये जो ग्रंथ है इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। और आने वाले समय में अगर मैं आपको बताऊं कि और भी जो अलग अलग धर्म के जो ग्रंथ बने हैं उन ग्रंथ में कहीं ना कहीं इसका जिक्र जरूर है, इनके लिखे गए विचार दूसरे धर्मों में भी देखे जाते हैं, ठीक है। अब बात करते भद्रबाहु चरित्र, एक ही रचना उस समय के ऋषि जिसको आप जानते जैन विद्वान भद्रबाहु ने इसकी रचना की है। तो भद्रबाहु और उस समय के मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य जो संबंध है वो मिलता है, और उस समय के धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत उस समय की जो परिस्थिति है यानी धर्म या बात करें भारतीय इतिहास की जानकारी हमें भद्रबाहु चरित्र से मिलती है। और दूसरा जैन आगम ग्रंथ, ये जैन धर्म के इतिहास और जैन धर्म के संबंधित ज्ञान और भारतीय इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि इसके जैन आगम ग्रंथ हैं इनकी टोटल संख्या है 12, टोटल कितनी है 12, जिसमें एक आपको बताएं आसारंग सूत। तो इसका एक जो है आसाराम सूत है, इसके अंतर्गत बात करें तो भिक्षु जो जैन भिक्षु है उसके आचार विचार नियमों के बारे में बात बताई गई है। और इसी का एक जो सूत है वो है भगवती सूत, जिसमें भगवान महावीर के जन्म व्रत, जीवन व्रत एवं क्रियाकलापों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा इसी प्रकार की और भी जैसे ग्रंथ है जिसमें धर्म विरोधी मतों का खंडन किया गया है, किसी में महावीर स्वामी की शिक्षाओं का संग्रह किया गया है, जीवन उपासक और आचार विचारों का वर्णन किया गया है। तो ये जो जैन
धर्म से संबंधित जो ग्रंथ हैं वो भारतीय इतिहास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हैं, जिस प्रकार से हमने अन्य धर्मों के बारे में बताया। तो ये वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन इसमें सटीक रूप में, महत्वपूर्ण रूप में, जो भी आपके एग्जाम के लायक थी, हर एक छोटी छोटी डिटेल मैंने आपके सामने रख दी है। क्लास अच्छी लगी होगी, इंपॉर्टेंट लगी होगी, तो बिल्कुल लाइक और शेयर कीजिएगा और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फीडबैक दें, ताकि आपको जल्दी दूसरी क्लास मिल पाए। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितनी अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच।